हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी बार फुल मून के आसपास आपकी एनर्जीज काफ़ी बढ़ जाती हैं, आपके डीएम एकदम क्रेजी हो जाते हैं, आप भी एज अ डिवाइन फेमिनिन एकदम पागल हो जाती हैं, क्रेजी जैसा बिहेव करने लगती हैं। ये किस कारण से होता है? काफ़ी इमोशंस बढ़ रहे होते हैं, उस स्टेज में आप काफ़ी ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। और क्यों ये स्टेज अच्छी भी है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, इफ़ यू आर इन दिस जर्नी तो डेफिनेटली ये इफेक्ट मैं एनर्जीज आप लोगों की रीड करने वाला हूँ, कुछ करंट एनर्जीज और कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो ये बताते हैं। अगर आप किसी के साथ एक डीप स्पिरिचुअल रिलेशन में होंगे, आपका वो ट्विन फ्लेम होगा, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपके हस्बैंड एंड लवर के बीच में, तो ये कुछ साइंस आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं फुल मून के अराउंड। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं होंगे लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सो हमारा NLP ट्रेनिंग प्रोग्राम, माइंड प्रोग्राम आप कल कंप्लीट हुआ है। अगर आप वो मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके 2 दिन का इस मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक नीचे दिया है, वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, अदर व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे भी आके डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग फुल मून के अराउंड गुरु पूर्णिमा आई काफ़ी ज़्यादा क्रेजी बिहेव करते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, टोटल 6 पॉइंट हैं जो आपके डीएम एकदम ही डिसऑर्डर्ड समटाइम क्रेजी हो जाते हैं और आप भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप ये है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस पे चीज़ें आ रही होती हैं। पहला रीज़न है डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपका किसी के साथ एक डीप रिलेशन होगा, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप एक ही सोल ग्रुप और फैमिली से होंगे, तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए बेचैन भी होंगे और एकदम पागल भी रहेंगे। बिकॉज आपकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आपको वो सोल पर्पस पूरा करना है किसी भी हाल में। और जब हम फुल मून के फेस से निकल रहे होते हैं तो आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। उस स्टेज में आप बिना अभिव्यक्त किए नहीं रह पाते और कई ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं लेते। और जो एनर्जीज आपकी उस समय आती है, जैसे फुल मून की मैंने एनर्जी रीड करी थी, रेबेलियस का कार्ड आया था। रेबेलियस मतलब क्या होता है? दुस्साहस करना, मतलब किसी भी तरह से रेबेलियस स्टेज में जाना, जो आप एक साहस दिखाते हैं, इसमें एकदम क्रेजी हो के आपके डीएम या आप एज अ डीएफ भी दुस्साहसी हो जाते हैं। क्योंकि डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है और उसे आपको सोल पर्पस है, उसे आपको फुलफ़िल करना ही होता है। दोनों का यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे फुलफ़िल करना ही होता है। दूसरा रीज़न है इंटेंस इमोशंस के कारण आप क्रेजी हो जाते हैं, आप पागल जैसे बिहेव करते हैं। आपके डीएम समटाइम ऐसे बात करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं, या आप खुद एकदम क्रेजी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फुल मून एनर्जी। क्योंकि ये बहुत हीलिंग एनर्जी होती है, बहुत डिवाइन एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हैं। आपके अंदर जो भी दबा हुआ है वो सरफेस पर आ पाता है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी इंटेंस इमोशंस को दिखाती है। और इमोशंस के लॉर्ड कौन हैं? वो चंद्रमा हैं, हमारे मन इंद्री के स्वामी हैं। तो वो जब स्ट्रॉन्ग फेज में जाते हैं तो आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते ही ऑलरेडी ट्विन फ्लेम के लिए, तो आप उस स्टेज में कुछ भी कर सकते हैं, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ओवर वार्मिंग स्टेज बढ़ता है, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट होगा और अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको डेट टाइम नहीं करनी चाहिए। और इसका असर आपके फुल मून के 5 डेज आगे और पीछे तक रहता ही, अभी भी इफेक्ट चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में आप रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मिररिंग इफेक्ट। एक फेज़ होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो है मिररिंग इफेक्ट। मिररिंग इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट है जिसमें आप अपनी कमियों को देख पाते हैं, आप अपनी ट्विन फ्लेम की कमियों को देख पाते हैं और उसको दूर करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। जैसे आप ऐसी चीज़ें करके दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिस कारण से ट्विन फ्लेम रियलाइज कर सके आपका। और इसी फेज में आपके डीएम भी जो एनर्जीज आई हैं, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है जो भी उनके लिए गुड है वो उन चीज़ करेंगे, उससे आपको ट्रिगर होगा, इमोशनली ट्रिगर होगा, ये मिररिंग कहलाती है। अगर आपको ट्रिगर बहुत हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्म और प्रारब्ध है जिस कारण से आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। तो उसको इम्प्रूव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि आपके काउंटर पार्ट की। क्योंकि आपको जो फील हो रहा है
वो आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस और इमोशंस के कारण है। कई बार पार्टनर की एनर्जीज भी पिक होती है, उसकी एनर्जी के कारण भी आपको हार्ट चक्र ब्लॉक जैसा, हैवीनेस जैसा फील हो सकता है कि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इसे भी मिररिंग इफेक्ट करते हैं। इसमें आप मिररिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्लिंजिंग कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट पर कराई हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऐप पर भी 9 साधनाएं पड़ी हुई हैं, 10वीं साधना कमला देवी की, उन सभी 10 साधनाओं को करके आप डेफिनेटली लाइफ को एनर्जेटिक बना सकते हैं, अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, जो फ्री है। आप टेलीग्राम पे ऐप का लिंक चेकआउट कर सकते हैं, नीचे भी दिया गया। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चैलेंजेस एंड ग्रोथ। क्योंकि फुल मून का टाइम आता है, अगर आपने पास्ट के बर्थ में, अगर इस टाइम पे जो पूरा वीक निकला है शुक्ल पक्ष का, इसमें अगर जो न्यू मून होता है उस दिन बहुत अच्छी थिंकिंग नहीं क्रिएट की है, क्योंकि जो भी न्यू मून के दिन आप क्रिएट करते हैं, जो भी बीज बोते हैं, वही फुल मून को आप काटते हो, वही मैनिफेस्ट हो जाता है आपसे, और वो चैलेंजिंग, वो ग्रोथ आपको मिल रही होती है। और ग्रोथ इन द सेंस, आपका इमोशंस बहुत बाहर आएगा, बहुत ज़्यादा रोना आएगा, छोटी बात पर भी ट्रिगर होंगे, इमोशंस राइज बढ़ेगा, और जो कार्ड की एनर्जी आ रही है वो ब्रेक थ्रो के आ रही है। देखिए, ये एनर्जी अपने एनर्जीज़ को रिलीज, ये गर्ल दिख रही होगी आपको एनर्जी रिलीज़ करते हुए, तो जितने भी एक्सेसिव इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसे आप रिलीज़ करें। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमोशनल हीलिंग करेगा। ये फेज है आपके सैक्रल चक्र को, आपके गिल्ट को बाहर निकालने का। फुल मून एक टाइम जोन होता है जो आपके गिल्ट को बाहर निकालता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव। फुल मून के आसपास आप अगर हील हो गए होंगे तो अनकंडीशनल लव फील होगा, नहीं हुए होंगे तो अनकंडीशनल लव फील नहीं होगा, और ये आपको और ज़्यादा टॉर्चरस स्टेज में ले जाएगा। आप एकदम ही क्रेजी हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसे ऐसा एडिक्शन की तरफ जाएंगे जिससे आप अपने आप को सेल्फ हर्ट करेंगे। तो अनकंडीशन लव आ गया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। और यूनियन सेपरेशन का जो फेज़ है, इसमें ज़्यादा होता है फुल मून के आसपास। और लास्टली, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तो आपके डीएम वापस नहीं आएंगे, आपके डीएम वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग को इनवाइट नहीं कर पाते। व्हेन यू आर रेडी इन दिस जर्नी, देन डिवाइन टाइमिंग आपके नियर आती है। वो कर्मा ठीक हो गया आपका, वो फेज़ आपका निकल चुका है। जो कार्ड्स है, माइंड, जो माइंड से डीएम चल रहे हैं, जो माइंड की एनर्जी आ रही है, जो माइंड से, वो माइंड कब एंड होगा, जब वो आप हार्ट से काम करेंगे। अगर आप भी देखिए, स्त्री पुरुष जो मस्कुलिन फेमिनिन है, दो अभिव्यक्तियाँ बहुत ज़रूरी है। एक बिंदु आता है जहाँ मस्कुलिन फेमिनिन इक्वल रहते हैं, जहाँ इंटेंस लव होता है, जहाँ अभिव्यक्ति और क्रिया दोनों समान रहती है, अर्थात पुरुष के द्वारा क्रिया की जाती हो, फीमेल फेमिनिन एनर्जी के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है, एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स दिखाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दोनों साथ जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आज आप अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, जो पुरुष है, जो मस्कुलिन साइड है, उसके द्वारा तो अभिव्यक्ति हो रही है, फेमिनिन साइड दिखाई जा रही है, और जो फेमिनिन साइड है, धीरे धीरे उसके द्वारा क्रिया दिखाना शुरू हो जाता है। तो इससे एक दूरियां आ जाती हैं, एक सेपरेशन आ जाता है। बल्कि होना क्या चाहिए, एक फेमिनिन साइड के द्वारा भावनाएं दिखाई जाएं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, संवेदनाएँ दिखाई जाएँ, और मस्कुलिन साइड के द्वारा क्रियाएं दिखाई जाएं। अगर ये दोनों एक साथ बना रहता है तो आपका हमेशा यूनियन रहेगा और आप अपने पर्पस और उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और आगे अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।